अब हम स्विंग का पहला एग्जांपल लिखने जा रहे हैं। तो मैंने एक फाइल बनाई ए डॉट जावा, जिसमें मैंने क्लास डिफाइन की क्लास ए, मैंने मेन मेथड बनाई और अब हम स्विंग लाइब्रेरी को देखेंगे। तो मैंने क्रोम ओपन किया और आप मैं यहाँ पर जावा का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ओपन है। तो हमने पैकेज ओपन किया जावा एक्स डॉट स्विंग, इसमें एक क्लास है जे फ्रेम, ये देखा आपने। जे हमने जे फ्रेम को ओपन किया, तो जे फ्रेम में एक कंस्ट्रक्टर है, हमने कंस्ट्रक्टर देखा, एक नो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम इसे कॉल करेंगे। तो मैंने एडिटर ओपन किया और यहाँ पर मैंने जे फ्रेम का एक वेरिएबल बनाया, जे फ्रेम क्लास का एक वेरिएबल मैंने बनाया फ्रेम, और इसमें मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया का न्यू जे फ्रेम कंस्ट्रक्टर कॉल किया, क्योंकि हमने एक न्यू क्लास यूज़ की है जो जावा डॉट लैंग पैकेज में नहीं है, इसलिए हमें इसे इम्पोर्ट करना है। तो मैंने लिखा इम्पोर्ट स्टेटमेंट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट जे फ्रेम, हम पैकेज देखेंगे इसका। हमने देखा जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट जे फ्रेम, तो हमने इसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया। बस हम इतना ही कोड अभी रन करते हैं। मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया और मैं उसी फोल्डर में हूँ जहाँ पर हमारी फाइल है स्विंग में, जावा सी ए डॉट जावा को मैंने रन कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल। मैंने क्लास को रन किया, सक्सेसफुली रन हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मैंने इसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया हम, लेकिन फ्रेम विजिबल नहीं हुआ, ऐसा क्यों हम देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैंने यहाँ पर लिखा वन और मैंने इसे कॉपी किया टू, और मैं इसे फिर से कंपाइल और रन करता हूँ जावा सी ए डॉट जावा। हाँ एरर, सॉरी, सिस्टम, मैंने इसे देखा कि पहली लाइन प्रिंट हुई, दूसरी लाइन प्रिंट हुई, उसके बीच में हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया लेकिन हमें फ्रेम नहीं दिखाई दिया। तो हम चलते हैं अपने लाइब्रेरी के पास, तो इसमें देखा हमने कि इसमें ये जो क्लास है जे फ्रेम, इसमें विंडो क्लास जावा डॉट ए डब्ल्यू विंडो से एक मेथड इनहेरिट हुई है, इसका नाम है सेट विजिबल। सेट विजिबल को हमने ओपन किया तो हमने देखा कि सेट विजिबल को बूलियन पास करना है ट्रू और फॉल्स, तो हम इसे विजिबल करेंगे। तो हमने फ्रेम पे एफ आर एम फ्रेम डॉट हमने कहा सेट विजिबल और हमने इसमें ट्रू पास किया, तो हमने ट्रू पास किया और इसके बाद हम इसे फिर से कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर एक फ्रेम बना हुआ है, ये आप देख रहे हैं फ्रेम, मैंने इसे देख ली, मैंने रिसाइज़ किया तो फ्रेम रिसाइज हुआ, ये हुआ। तो हमने सक्सेसफुली एक फ्रेम बनाया। हम अब आगे बात करते हैं, तो हमने इसे साइज़ असाइन करना है, हम कुछ उसमें साइज़ सेट करना चाहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर मेथड है सेट साइज़, मैं उसे डायरेक्टली सर्च करता हूँ, तो मैंने कहा सर्च सेट साइज़। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर कि विंडो जो क्लास है वहाँ से सेट साइज़ मेथड इनहेरिट हुआ, हमने सेट साइज़ पर क्लिक किया तो हमने देखा उसे डायमेंशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट चाहिए, देखेंगे सेट साइज़ डायमेंशन और एक और सेट साइज़ है उसमें इंट विड्थ और हाइट, तो हम इंट हाइट और विड्थ को ये वाली जो मेथड है इसका यूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पर फ्रेम डॉट सेट साइज़ को कॉल किया और मैंने कहा 20 to 200, 400, और अब मैं इसे फिर से कंपाइल करूँगा ए डॉट जावा और रन किया जावा ए। तो आपने देखा 200 विड्थ 400 हाइट हमने सेट किया, तो मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। तो आपने देखा मैंने उसे क्लोज़ किया फ्रेम को, लेकिन हमारा जो प्रोग्राम है वो अभी रन हो रहा है, देखेंगे आप टर्मिनेट नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने उस विंडो के क्रॉस ऑप्शन पे, क्लोज़ ऑप्शन पे कुछ प्लान नहीं किया कि क्या करना है, तो हम उस पर बात करते हैं। तो मैंने ओपन किया फ्रेम क्लास और इसमें मेथड है सेट, आपने देखा ये सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, मैंने सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन को एक इंट ऑपरेशन चाहिए। तो इंट क्या क्या हो सकता है? डू नथिंग ऑन क्लोज,
हाइड ऑन क्लोज, डिस्पोज ऑन क्लोज, एग्जिट ऑन क्लोज. तो हम चाहते हैं एग्जिट ऑन क्लोज. तो ये जो एग्जिट ऑन क्लोज है ये जेफ्रेम में एक कॉन्स्टेंट है. तो हम इसे कॉल करते हैं. हमने कहा फ्रेम डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, और इसे चाहिए सेट एग्जिट ऑन क्लोज. तो हमने कहा एग्जिट ऑन क्लोज, और ये जे फ्रेम का एक कॉन्स्टेंट है तो और स्टैटिक है, तो हम इसे डायरेक्टली कॉल करेंगे जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज. मैं इसे टर्मिनेट करता हूँ. और मैंने कहा जावा सी ए डॉट जावा कैन नॉट फाइंड सिंबल जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज, सॉरी, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट कैपिटल लेटर्स में होते हैं. तो हमने कहा एग्जिट ऑन क्लोज. मैंने इसे कंपाइल किया, जावा ए रन किया, तो आपने देखा ओपन हुआ. और अब आप देखेंगे जैसे मैं इसे क्लोज़ करूँगा तो हमारा प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाएगा. क्लोज, आपने देखा टर्मिनेट हुआ.